नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब सेलिब्रेट्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, 27 अगस्त शनिवार के दिन है अमावस्या। यह है शनिश्चरी अमावस्या। एक तो शनिवार, दूसरा अमावस्या। हजारों उपाय हैं दोस्तों करने के लिए, ऐसे उपाय जो आपके जीवन को बदल ही नहीं देंगे, सुख और समृद्धि से भरपूर कर देंगे। तमाम इच्छाएं पल में पूरी कर सकते हैं। ये वो दिन है दोस्तों जब तमाम प्रकार के आपके साथ भी अनिष्ट हो सकते हैं, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या वाले दिन लोग बहुत ज्यादा प्रमाण में उतारा करते हैं। घर से बहुत सारी चीजें उतार कर फेंकी जाती है, इसलिए इस दिन बहुत ज्यादा सावधान रहे। चौराहा ना नाके, नापते हैं तो ध्यान से नाके, चौराहे पर कभी भी चल नाम का शब्द ना बोले। आज के दिन कहीं पर भी एकांत विस्तार में, निर्जन विस्तार में खड़े होकर के ना तो कोई भोजन करें और ना ही सफेद रंग की कोई चीज ग्रहण करें। इससे नेगेटिव एनर्जी तुरंत घर के अंदर एंटर होती है, आपके साथ घर में चली आती है। आज के दिन कोशिश करें शमशान में ना जाए, शमशान के सामने से ना निकले, क्योंकि आज के दिन भूत प्रेत पिशाच जिंद बाधाएं बड़ी तेजी से काम करती हैं। आज रात के समय कभी भी कपड़े बाहर ना रखें। आज रात जो नेगेटिव एनर्जीज ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, वो बहुत ही जल्दी आपके कपड़ों के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। छोटे बच्चों को एकांत विस्तार में आज के दिन बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि अमावस्या हो और उसमें भी शनिवार हो तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। यह अमावस्या दोस्तों 26 तारीख दोपहर 12:23 से शुरू हो रही है, जो शनिवार 27 अगस्त के दिन दोपहर 1:46 तक रहने वाली है। 1:46 पर इसका समापन होगा। अमावस्या चलते ही शिव योग लग जाएंगे, जो 28 अगस्त दोपहर 2:07 तक रहने वाले हैं। शिव योग में भी बहुत सारे उपाय हैं जो करने के लायक हैं, मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको जानकारी देती रहूंगी। आज के दिन आप एक काम जरूर करें, सुबह उठते के साथ बासी मुंह, और अगर बासी मुंह ना चख सकें तो नहा धोकर के पूजा पाठ करने के बाद, मतलब चाय पीने से पहले आप इस चीज को जरूर चख लें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आप तमाम प्रकार के अनिष्टों से दूर रहेंगे, आप और आपका परिवार। कोशिश करें रात को ही इस चीज को निकाल कर रख दें। शहद है, शहद दोस्तों तमाम देवी देवता स्वीकार करते हैं। शहद बासी मुंह शनिवार के दिन यदि आप चखते हैं तो भी शनि से जुड़े हुए तमाम दोष दूर होते हैं। शनिवार के दिन घर में शहद ला करके रख देने से तमाम प्रकार के अनिष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो शनिवार भी है और अमावस्या भी है। आप रात को ही थोड़ा सा शहद किसी पात्र में निकाल कर रख दें और सुबह तमाम मेंबर्स बासी मुंह शहद चख लें, जिससे कोई भी अनिष्ट, जैसे फिर आप कहीं बाहर भी जाते हैं, कहीं चौराहे पर भी निकल रहे हैं, कुछ भी है, शहद सुबह चख लेने मात्र से तमाम प्रकार के अनिष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। और शहद यदि आप चखने में यूज करते हैं तो स्नान के पानी में भी जरा सा शहद डालें और उसके साथ में थोड़ी सी काली सरसों, इसको भी आप मिला दें और उससे आप स्नान करें। बहुत ही जबरदस्त आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन होते दिखाई देगा। आज के दिन यदि आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो जेब में भी शहद की छोटी सी जो बोतल आती है उसे आप रख सकते हैं। शहद की बोतल यदि आपके साथ रहती है तो कई जो सिद्ध आत्माएं हैं उनका वास आपके साथ रहता है, जिससे कई प्रकार के अनिष्टों से आपकी रक्षा होती है। आज के दिन सुबह के समय इस चीज को जरूर चखें। कोशिश करें घर में भी आज के दिन आप शहद ला करके रखें।
नहाने के पानी में भी भले एक बूंद डालें, जरा सा शहद चें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।